नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे राजस्थान से जुड़ी आज की बड़ी खबरों की। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए मुफ्त की है 2000 यूनिट बिजली। सीएम अशोक गहलोत ने कहा बिजली बिल आएगा जीरो। जयपुर के मापुरा गांव में महंगाई राहत शिविर के शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि उन्होंने किसानों के लिए 2000 यूनिट मुफ्त बिजली कर दी है, अब किसानों का जो बिजली बिल जो है वो जीरो आएगा। वहीं गहलोत ने कहा कि मैंने घोषणा कर दी है कि राजस्थान में कम से कम 1000 रुपए पेंशन जो है मिलेगी। लंपी रोग से मृत दुधारू पशुओं के लिए प्रति गाय 40000 रुपए की आर्थिक सहायता का प्रावधान जो है सरकार की ओर से किया गया है। वहीं सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य राज्य में आम लोगों को राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी से जोड़ना है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कहा था कि राहत शिविरों से लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत लाभ मिलेगा ताकि महंगाई के बीच उनकी मदद की जा सके। वहीं सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य के हर जरूरतमंद परिवार को राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर महंगाई से राहत दिलाई जाएगी। इसके लिए राज्य में 30 जून तक महंगाई राहत शिविर लगाए जाएंगे। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो राजस्थान स्वास्थ्य विभाग में आज से खुलेगा भर्तियों का पिटारा, पद 3 गुना बढ़कर 18112 किए। स्वास्थ्य विभाग में भर्तियों का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान में अच्छी खबर है। दरअसल चिकित्सा विभाग जल्दी 18000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। वह इसकी शुरुआत आज से यानी बुधवार से नर्सिंग ऑफिसर के करीब 8000 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी होने के साथ हो रही है। वह विभाग ने हाल में यहां पर पूर्व में जारी भर्ती परीक्षा जो भर्ती प्रक्रिया है उसको निरस्त करने के तत्काल बाद पदों की संख्या 3 गुना करते हुए नई भर्तियों की तैयारी शुरू कर दी है। खास बात यह है कि अब कोरोना काल में काम करने वाले हेल्थ वर्कर्स को अतिरिक्त बोनस जो है अंक जो है वो राजस्थान के अंदर यहां पर मिलेंगे। वही चुनावी साल में गहलोत सरकार ज्यादा से ज्यादा भर्तियों को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए अक्सर मोड में है। वह स्वास्थ्य विभाग हाल में यहां पर हजारों पदों पर भर्ती प्रक्रिया को निश्चित करने के एक सप्ताह के भीतर ही नई भर्तियां शुरू करने जा रही है। खास बात यह है कि इनमें पदों में संख्या जो है 3 गुना बढ़ा दी गई है। पिछले दिनों यहां पर नर्सिंग समेत 5 केंडर में यहां पर 6500 पदों के लिए भर्तियां निकाली गई थी, लेकिन बाद में इनको निरस्त कर दिया गया था। अब संख्या जो है 18000 से ज्यादा कर दी गई है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो राजस्थान में मौसम ने फिर ली है करवट, कई जिलों में गरज चमक के साथ आज होगी बारिश। पश्चिमी राजस्थान में एक बार फिर मौसम बदलने की संभावना है, कई स्थानों पर बारिश के आसार है जिससे बढ़ती गर्मी से राहत मिलेगी। वहीं मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आज पश्चिम विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा, अधिकांश इलाकों में आज बारिश के आसार है। फिलहाल राजधानी जयपुर जोधपुर समेत कई जिलों में बादल अभी छाए हुए हैं और मौसम यानी तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं मौसम विभाग ने 28-29 को प्रचंड तूफान आने की जो संभावना जो है राजस्थान के अंदर जताई है। वह मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार बांसवाड़ा, उदयपुर, भीलवाड़ा और बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सिरोही में गरज चमक के साथ बारिश के आसार। इन जिलों में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है। वही अगर तापमान की बात करें तो कल जो है ज्यादातर जिलों में तापमान 30 डिग्री से लेकर 40 डिग्री के बीच राजस्थान में दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया है। वहीं 27 अप्रैल को भरतपुर के अलावा यहां पर अलवर, बांसवाड़ा और भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर और झुंझुनू, करौली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही, उदयपुर, टोंक और बीकानेर, हनुमानगढ़, जालौर, नागौर, पाली, श्रीगंगानगर में गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। राजधानी जयपुर में हल्के बादल अभी छाए हुए हैं, न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि अधिकतम तापमान 34 डिग्री के आसपास आज रहने की संभावना है। यह आर्द्रता का स्तर जो है 44% रहेगा। श्रीगंगानगर में तापमान 20 से 38 के बीच रहा है। वही प्रदेश के अलग अलग इलाकों में तापमान में जो है अभी फिलहाल जो गिरावट का सिलसिला जारी है और आने वाले दिनों में इस तरह का जो गिरावट का सिलसिला जो है आगे जारी रहने के आसार है। बात अब करते हैं अगली खबर की। राजस्थान में कोरोना से मौतों का तांडव, कोरोना से 3 लोगों की पिछले 24 घंटों में हुई है मौत। राजस्थान में कोरोना का कहर जारी है, कल पिछले 24 घंटों में 428 नए मामले सामने, इसमें यहाँ पर तीन मरीजों की मौत भी राजस्थान के अंदर हुई है। यानी कोरोना के मामले जो है राजस्थान में बढ़ रहे हैं। चिकित्सा विभाग के अनुसार जयपुर में सर्वाधिक 82 नए मामले सामने आए हैं, इसके अलावा नागौर में 52, भरतपुर में 50, अलवर में, चित्तौड़गढ़ में 52 केस सामने आए हैं, अलवर चित्तौड़गढ़ में 39 केस सामने आए हैं, इसके अलावा बीकानेर में 30 और सीकर में 26 और जोधपुर दौसा में 17 मामले सामने आए हैं। वह उदयपुर में 13 और चूरू में 10 और बांसवाड़ा में 8 और प्रतापगढ़ में 7, भीलवाड़ा में 7 और टोंक में 6 मामले पिछले 24 घंटों में सामने आए। राजसमंद, जालौर, हनुमानगढ़ में 2 और गंगानगर, सिरोही में यहाँ पर 1-1 मामले पिछले 24 घंटों में कोरोना के आए हैं। राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या जो है 3549 है, जिनमें सर्वाधिक 903 सक्रिय मामले जयपुर से हैं, जबकि भरतपुर में 400
240 और उदयपुर में 296 और 69 और चित्तौड़गढ़ में यहाँ पर 249 और बीकानेर में 202 और जोधपुर में 178 मामले जो है कोरोना के दर्ज किए गए हैं। अब तक मामले जो है फिलहाल एक्टिव बताए जा रहे हैं।